वेलकम टू माय चैनल किचन फॉर डायबिटिक्स। आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल हैं। आज मैं मेरे किचन में काली मसूर दाल की रेसिपी बनाने वाली हूँ। जो वेट लॉस करना चाहते हैं, जो प्री डायबिटिक है और डायबिटिक है, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, यही वजह से मसूर की दाल मधुमेह, कैंसर और हृदय रोगों को अधिक रिस्क को कम करने में मदद करता है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए, आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। लेंटिल्स कई प्रकार के होते हैं, मैंने यहाँ ब्राउन लेंटिल को लिया है। देखिए, ब्राउन लेंटिल इस प्रकार की होती है। इसे ब्राउन लेंटिल और होल मसूर दाल और साबुत मसूर दाल भी कहते हैं। ये मार्केट में कहीं भी अवेलेबल होगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, चाहो तो आप देख सकते हैं। मसूर दाल के सेवन से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। फाइबर से भरपूर मसूर दाल डायबिटीज पेशेंट्स के लिए अच्छी मानी जाती है। इसे हमें अच्छे से दो बार वॉश करके आधा घंटे के लिए भिगो कर रखना चाहिए। भिगो कर रखने से ये थोड़ा फूलने लगेगी और इसका स्वाद भी अच्छे से आएगा। यह मैं काली मसूर दाल बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इसमें एक चम्मच ऑलिव ऑयल को ऐड किया है। इसमें मैं एक बड़ी कटी हुई प्याज को ऐड कर रही हूँ। इसे हमें हल्के से ब्राउन कलर आने तक इसे अच्छे से रोस्ट होने देना होगा। ऑनियन का ग्लिसेमिक इंडेक्स है 10, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स इसका उपयोग बिना डरे कर सकते हैं। काली दाल बनाने का मैं बहुत इजी प्रोसेस आपको बता रही हूँ। ऑनियन हल्का ब्राउन कलर आ चुका है, मैं इसमें ग्रेट करा हुआ अदरक को ऐड कर रही हूँ। ये पूरा प्रोसेस हमें लो फ्लेम पर रख कर करना चाहिए। इन दोनों को हमें हल्के से भूनना होगा। डायबिटिक पेशेंट्स प्रतिदिन 4 ग्राम अदरक का सेवन कर सकते हैं। इसमें हमें एक चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच काली मिर्च के पाउडर को ऐड करना होगा। इसे हमें 1 से 2 मिनट तक भूनना चाहिए। मैंने यहाँ लाल मिर्च को कलर आने के लिए ऐड किया है और साथ ही कड़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ, इससे अच्छे से फ्लेवर आएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए, आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। जो मैंने भिगो कर रख दिया था, उस मूँग दाल को पानी को निकाल कर हमें इसमें ऐड करना होगा। मैंने यहाँ 150 ग्राम मूंग की दाल को लिया था, तो इसमें हमें 150 ml पानी को ऐड करना होगा। मैंने इस ग्लास में 125 ml वाटर लेकर इसमें ऐड किया है। इस कुकर को हमें लिड से कवर करना होगा, साथ ही हमें विजिल भी लगाना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर हमें 4 सीटी आने देना होगा। अभी हमें स्टोव को ऑफ कर देना चाहिए। कुकर को ठंडा होने के बाद ही हमें विजिल को निकालना होगा। चलिए अब लिड ओपन कर देखते हैं। ये देखिए, मैंने जो पानी की क्वांटिटी बताया था वो एकदम बराबर हो चुका है। अभी इसमें हम 1 चम्मच नमक और हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड करना होगा। इसे हमें 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनना होगा। भूनने की वजह से हमें इसमें अच्छा स्वाद आने लगेगा। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो नीचे लाइक बटन है, प्लीज़ लाइक करिए। इसमें अधिक मात्रा में आयरन, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ही नहीं, सभी के लिए हेल्थी माना जाता है। मैंने 125 ml पानी को ऐड किया था, अभी हमें 25 ml पानी को इसमें ऐड करना होगा। आप आधा घंटे के लिए भिगोकर अगर नहीं रखा तो आपको पानी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ऐड करना होगा। काली मसूर की दाल बनकर रेडी हो चुकी है। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। जिसे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, इसमें फाइबर की मात्रा अधिक मात्रा में होती है, इसीलिए यह उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दाल रोटी खाने से आपको अधिक मात्रा में फाइबर मिलता है। चाहो आप वज़न कम करना चाहते हैं या आप डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, तो आप अपने भोजन में दाल रोटी शामिल कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए। जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करिए। ईट हेल्थी, स्टे हेल्थी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।